नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। ईएमआरएस के बाद अब एनवीएस में भी नई वैकेंसी आने के चांस है। मतलब अगर पूरा का पूरा इस साल की अगर हम बात करें तो आपके लिए टीचिंग जॉब की भरमार है, ठीक है, क्योंकि अगले साल सेंट्रल में इलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो इस साल आपको क्या है, पूरा का पूरा टीचिंग जॉब में भरमार है। सिर्फ यूपी को छोड़ दिया जाए तो आपका हर जगह आपका जॉब है। हरियाणा में भी निकला था इससे पहले, झारखंड में भी निकला, बिहार में भी देखो टीचिंग जॉब निकला है। और सेंट्रल की बात करें तो अभी इससे पहले ही एक एनवीएस हो चुका था, आपका केवीएस का एग्जाम हुआ। अब ईएमआरएस के जो विद्यालय हैं एकलव्य वाले, उनको भी बोला गया था कि आप अपना रिक्रूटमेंट रूल सब सेट करिए, इसी साल आपसे गवर्नमेंट 10 लाख नौकरी देने का जो वादा किया है ओवरऑल, वो अपना पूरा करना चाहती है अपने पूरे कार्यकाल में। तो उसी के समय में अगर हम बात करें तो यहां पर एनवीएस के रिक्रूटमेंट रूल में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो इन्होंने निकाला है। और इन्होंने यह भी बताया कि 2023 के लिए कितने पद इनके पास हैं और क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या चाहिए, वे सब इन्होंने अपने रिक्रूटमेंट रूल में बता दिया है। तो जैसे ईएमआरएस ने अपना रिक्रूटमेंट रूल निकाला था, ऐसे एनवीएस ने फिर से अपना एक रिक्रूटमेंट रूल निकाला है और चांसेस यही है कि अब एनवीएस के भी भर्ती आपको देखने को मिलेंगी। तो मतलब आपके पास आगामी भर्तियों में ईएमआरएस की भर्ती है, अभी नवोदय विद्यालय की डीएसएसबी तो है ही है, DSSS भी है आपके पास और एनबीएस है, ये तीनों आपके टीचिंग रिक्रूटमेंट सेंट्रल बेस पर होने वाले हैं। तो आप सभी लोग एकदम कमर कस के तैयार हो जाइए। जिनका भी केवीएस में चाहे किसी भी में अगर थोड़े कुछ नंबरों से नहीं हुआ है, अपना होप मत खोइए, जिस तैयारी से आप लगे थे लगे रहिए, सफलता आपको टीचर जरूर आप बनोगे जरूर मिलेगी, क्योंकि आपके सामने अभी इसी सिलेबस पर वही प्रश्न पे आपका कहीं ना कहीं 2-3 एग्जाम आने वाले हैं। बस कॉन्टिन्यूटी मत ब्रेक करिएगा आप सभी। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, जो बच्चे, एक इंफॉर्मेशन है जरूरी कि जो बच्चे ईएमआरएस की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए नॉन जो आपका सब्जेक्ट से अदर जो आता है आपका, उसका पूरा पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री का बैच चल रहा है। आप उसे परीक्षा प्लस ऐप से जो है इंस्टॉल करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसकी क्लासेस लाइव हो चुकी हैं। यहां पे बोला गया कि जेएनवी कैडर में कुछ चेंजेस किए गए हैं आपके, और आपको ये क्लियर दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस सही है। यहां पे बोला गया है कि कौन कौन से पोस्ट आपके आने की संभावना है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस का आएगा, फिजिकल एजुकेशन का आएगा, पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का आएगा, टीजीटी का आएगा कंप्यूटर साइंस, ठीक है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आर्ट का आएगा, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन का आएगा। देखो सभी का नहीं आएगा, कुछ चीजों में आपके पहले भी भर्ती हो चुकी हैं तो कुछ चीजों के रिक्रूटमेंट रूल में चेंज किया गया है, बाकी हो सकता है कि अगर आए भी तो उसका रिक्रूटमेंट रूल पहले जैसा हो, ठीक है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर म्यूजिक का है, स्टाफ नर्स का है, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट का है, कैटरिंग सुपरवाइजर का है, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर है और मेस हेल्पर है, ठीक है। और हेडक्वार्टर में भी आपके जो है पोस्ट है यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर। तो ये देखिए आप लोग, जो लोग कंप्यूटर ऑपरेटर का स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी टाइपिंग स्टेनो अच्छी है, वो आपके लिए पर्सनल असिस्टेंट हो गया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया, ये लॉ वालों के लिए लीगल हो गया, सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस हो गया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन, असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक, ठीक है। तो ये आपके हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस के पोस्ट हैं, ये इतने पोस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद से बोला गया है कि यहां पर महिलाओं पर ज्यादा ध्यान दिया गया है कि जो भी रिक्रूटमेंट होगा वो 50% के अप्रोक्स आपका महिलाएं होंगी। इस वजह से महिलाओं के अपर एज में, ठीक है, अपर एज में क्या किया गया है कि फीमेल कैंडिडेट अप्लाई फॉर अ टीचिंग पोस्ट इन द विद्यालय वुड बी एक्सटेंडेड फॉर 10 ईयर, 10 साल तक की उनके अपर एज लिमिट पर छूट दे दी गई है महिलाओं के लिए। अब ईएमआरएस में भी यही था और यहां पर भी हमें देखने को यही मिल रहा, बाकी आपकी सब चीजें हैं जो नॉर्मल सी कि आपको क्या क्या वहां पर चेंजेस हैं, प्रमोशन है, जो एक तरह से बोला जाए कि जो आपका किस वजह से आपको डिस्क्वालिफाई किस लेवल पर किया जाता है, यही सब है। प्रोविजन पीरियड के बारे में बताया गया है कि कब कितना प्रोविजन पीरियड आपका रहेगा, क्या क्या उसमें होगा। अब हम पोस्ट की बात करते हैं तो पीजीटी साइंस इन जेएनवी कंप्यूटर साइंस की बात किया जा रहा है, कंप्यूटर साइंस इन जेएनवी क्या आपका
इसे ग्रुप बी का है, पीजीटी का लेवल आपका वही है जो एमआरएस और केवीएस में होता है आपका। 306 स्टार लगाया गया, सब्जेक्ट टू वेरिएशन, वेरिएशन भी हो सकता है इसमें। 306 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस वाला की एकदम बल्ले बल्ले है इस बार। नॉट एक्सीडिंग 40 साल, एज आपकी 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी आपका 5 ईयर का रिलैक्सेशन अपर एज किसको मिलता है, एम्प्लॉई ऑफ एनवीएस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑटोनोमस बॉडी। एज रिलैक्सेशन फॉर एससी एसटी ओबीसी पीएच एक्स सर्विसेज एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल इशू बाय द टाइम वुड बी एप्लीकेबल। एससी एसटी और ओबीसी और पीएच इन सब का जो छूट होगा अपर एज पे वो एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, और जो एनवीएस के कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या किसी ऑटोनोमस बॉडी के कर्मचारी हैं उनमें एज रिलैक्सेशन आपका 5 साल का मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो यहां पर भी चेंज कर दी गई है, आप देख सकते हो एमएससी कंप्यूटर साइंस सेम एमआरएस वाला मांगा गया है, या एमसीए हो या एमई या एमटेक हो कंप्यूटर साइंस या आईटी से, बीटेक ना हो। अब यहां पर एक चीज और कर दिया है, यहां दूसरे नंबर पे आपको बीएड डिग्री लिख दिया है। अब ये बवाला हो गया। अब दूसरा, पहला तो आपका समझ में आता है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बीएड लिख दिया है, तो ये बीएड डिग्री भी आपको चाहिए यहां कंप्यूटर साइंस का टीचर बनना है एनवीएस में तो ठीक है। प्रोविजन पीरियड आपका 2 साल का होगा और बोला गया है कि जो ये भर्ती आएगी इसमें से आपका 75% आपको क्या है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और 25% आपका क्या है प्रमोशन के थ्रू है, ये ध्यान रखिए ठीक है। बाकी आपके प्रमोशन से रिलेटेड चीजें आपकी यहां दी गई हैं उससे। अब अगला है जो आपका वो फिजिकल एजुकेशन से है, अगला जो है आपका फिजिकल एजुकेशन से, फिजिकल एजुकेशन से है आपका पोस्ट जो है, इसमें 91 पोस्ट 2023 लिखा है ना, सब्जेक्ट वेरिएशन हो सकता है ये ध्यान रखिएगा। ये भी ग्रुप ए बी का है और लेवल 8 है, अच्छा खासा तनख्वाह है इसके भी, इसमें भी अपर एज आपका 40 ही है, 40 से ज्यादा आपको छूट नहीं है, 5 साल एनवीएस और बाकियों के लिए है छूट, और ओबीसी एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए वही जो गवर्नमेंट रूल लगता है उसके लिए है ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या बोला गया है, बोला गया मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन एमपीईडी डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, और आपसे क्या मांगा है शुड हैव रिप्रेजेंट एटलीस्ट स्टेट नेशनल लेवल इन एनी स्पोर्ट्स ठीक है बाय स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक्सपीरियंस इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर आपके हो, या एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेसिडेंशियल स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल में आप रहे हो उसका एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए ठीक है, ये ध्यान रखिए। 2 साल का प्रोविजन होगा, 75% आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, 25% आपका क्या होगा एलडीई मतलब डिपार्टमेंटल एग्जाम या आपका प्रोमोशन से होगा 25%, 75% इसकी वैकेंसी आएगी। तो वैकेंसी तो बहुत ज्यादा नहीं है ये हमारा, क्योंकि ये ऑलरेडी अभी रिसेंट में ही भरे गए हैं एनवीएस के ठीक है, तो इसीलिए कुछ ही पद पे हैं चीजें, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद से अगर हम बात करें मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में जेएनबी में कौन है, तो आपके 46 वैकेंसी यहां पर दिखाया जा रहा है, ये भी आपका लेवल 8 का ही क्योंकि पीजीटी का है, 40 साल है, बाकी 5 साल आपके एनवीएस कर्मचारी और भी जो है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट उनके लिए है, और बाकी अगर हम बात करें यहां पर क्वालिफिकेशन तो मास्टर डिग्री यूनिवर्सिटी से आपका 50% मार्क्स चाहिए एग्रीगेट इन द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कंसर्न, मतलब 50% मार्क्स आपका होना चाहिए जो भी लैंग्वेज में आप करना चाहते हो उस लैंग्वेज में 50% आपका होना चाहिए, मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और इंग्लिश हिंदी में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, बस ये चीजें मांगा है। और क्या बोला है, अगर आपको वरीयता दी जाएगी, अगर एक्सपीरियंस है टीजीटी रीजनल लैंग्वेज में आपने पढ़ाया हो, रेसिडेंटियल स्कूल में रहे हो और थोड़ा सा कंप्यूटर नॉलेज है तो ठीक है। बाकी इसकी जो वैकेंसी है इसमें आपका क्या है कि 50% आपका डायरेक्ट होगा और 50% आपका डिपार्टमेंटल और 50 प्रमोशन के थ्रू भरा जाएगा। 2 साल का प्रोविजन इसमें भी दिया गया है आपका, बाकी उससे रिलेटेड आपका रोल दिया गया है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी साइंस कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा है, सीएस की कंप्यूटर साइंस टीजीटी। अब इसके लिए क्या है, ये आपका ग्रुप बी का है, लेवल 7 का पेमेंट इसमें मिलेगा आपको इतना ठीक है। 649 की वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी है, 2023 बोला है। 35 साल यहां पर टीजीटी के लिए है, 5 साल रिलैक्सेशन एमबीएस सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑटोनोमस बॉडी के लिए है, और एससी एसटी ओबीसी और पीएच एक्स सर्विसमैन की जो आपकी लगती है सेंट्रल गवर्नमेंट में रिलैक्सेशन वो अपर एज में मिलेगा। अब इसमें क्या चाहिए आपको, हाँ टीजीटी में कंप्यूटर साइंस अगर आपको पढ़ाना है
तो उसके लिए आपको बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, मतलब आप बीसीए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बीसीए वालों के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका, टीजीटी एनवीएस में 649 पोस्ट आने वाली है और इसमें केवल केवल बीसीए आपका बोला गया है। यह ध्यान रखिएगा कि बीसीए वाले क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और कंडीशन आगे देखते रहिए। ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस फॉर्म रिकॉग्नाइज, अगर आपने बीएससी सीएस किया है, ठीक है, सीएस किया है तभी भी आप भर सकते हो। यह ध्यान रखिएगा, ऑल ईयर प्रोवाइडेड द कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट मस्ट बी स्टडी इन ऑल ईयर ऑफ द मेन सब्जेक्ट, अगर आपने मेन सब्जेक्ट के तौर पर पूरे साल कंप्यूटर साइंस पढ़ा है तो। बी बीटेक कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो आप भर सकते हो, ठीक है। और दूसरा क्या आपसे बोला गया है, दूसरा अभी चाहिए, पास द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट कंडक्ट बाय सीबीएसई विद द गाइडेंस ऑफ फ्रेम बाय एनसीटीई, और बीएड डिग्री भी यहां बोल दिया है। बवाल तो यहां पे हो गया कि भैया हमें टीजीटी कंप्यूटर साइंस का टीचर बनना है, तो बीसीए या बीटेक तो किए हैं, ठीक है, लेकिन यहां बीटेक करने के बाद बीएड कौन करे भाई। तो यहां बीएड मांगा है, और बीएड ही नहीं आपको सीटेट पेपर भी पास होना पड़ेगा, यह ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए हाँ, अब आगे हम आते हैं, ये इसका रिक्रूटमेंट पूरा का पूरा 649 पोस्ट आपका डायरेक्ट भरा जाएगा, इसमें आपके पूरे के पूरे एग्जाम से ही पोस्ट भरे जाएंगे, कोई प्रमोशन या उससे नहीं होगा। अगला है आपका आर्ट का टीचर, कला का, तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आर्ट की बात करें तो इसमें भी 649 पोस्ट है, ठीक है, ये भी लेवल 7 का पेमेंट मैट्रिक्स है, यहां पर देख लो 35 साल इसका भी एज, अपर एज में 5 साल की छूट है एनवीएस सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑटोनॉमस बॉडी वालों को, बाकी ओबीसी एक्स सर्विसमैन और एससी एसटी को एज फॉर द गवर्नमेंट रूल है। अगर इसकी क्वालिफिकेशन देख लें तो इनमें क्या है आपका, देखो कहीं बीएड डिग्री इनके लिए नहीं मांगता, लेकिन यहां पर देखिए बीएड डिग्री नहीं मांगा है। आर्ट वालों के लिए डिग्री इन फाइन आर्ट्स क्राफ्ट एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ये मांगा है, या बीएड डिग्री इन फाइन आर्ट और रीजनल इंस्टीट्यूशन आपके पास है तभी भी चलेगा। यहां पे एसेंशियल में नहीं किया गया है, ये डिजायरेबल है, बीएड डिग्री होगा तो आपको वरीयता दी जाएगी, वर्किंग नॉलेज है इंग्लिश हिंदी की तो कोई कंपलसरी नहीं है आर्ट वालों के लिए बीएड, लेकिन यहां देख रहे हो यहां कंपलसरी था, यहां तीसरा पॉइंट बीएड डिग्री लिख दिया गया था, किसके लिए, कंप्यूटर टीचर के लिए, यह गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। आर्ट का हो गया, अगर हम बात करें यहां पर फिजिकल एजुकेशन की, तो फिजिकल एजुकेशन में देखिए ये ग्रुप बी का लेवल 7 है, 595 पोस्ट मेल है, 649 फीमेल का है, 1244 पोस्ट आने वाला है, इसमें भी 35 साल है, बाकी आपका एज रिलैक्सेशन वही है, और डिग्री जो है इसमें आपसे क्या मांगा गया है, इसमें आपको बीएड नहीं मांगा गया है, इसमें बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन डिग्री है, अगर आपके पास बीपीएड है तो आप इस टीचर के लिए एलिजिबल हैं, तो बीपीएड वालों के लिए खुशखबरी है भाई, इसे आप भर सकते हो, ठीक है। इसका भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, मतलब 100% ये आपका एग्जाम से भरा जाएगा, ये ध्यान रखिए। अगला जो है पोस्ट जो है वो टीजीटी म्यूजिक का है, इसमें भी अच्छा खासा पोस्ट आ रहा है, तो टीजीटी म्यूजिक में 649 है, यह भी पेमेंट आपका सेम है, 7 ग्रेड का है, 35 साल अपर एज है इसका, 5 साल रिलैक्सेशन मिलेगा एनवीएस सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑटोनॉमस बॉडी के जो कर्मचारी हैं उनको, और इसके लिए जो आपका अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री इन म्यूजिक आपके पास है किसी भी यूनिवर्सिटी से, प्रोवाइडेड एज ए म्यूजिक सब्जेक्ट स्टडी इन 3 ईयर, 3 साल अगर आपने म्यूजिक सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप एप्लीकेबल हो, और यह भी 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, ठीक है। अगला हमारा पोस्ट देखें तो स्टाफ नर्स का है, इसमें भी ठीक ठाक पोस्ट आ रही है, 649 पोस्ट आ रही है, ग्रुप बी पेमेंट भी आपका अच्छा है यहां पर स्टाफ नर्स का, ठीक है, 35 साल अपर एज है और 5 साल का रिलैक्सेशन आपको जो सेंट्रल और एनवीएस कर्मचारी है, नहीं इसमें किसको मिला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी वाले को मिलेगा, ठीक है, बाकी एससी एसटी ओबीसी को एज पर द गवर्नमेंट रूल मिलेगा। इसके लिए क्या है, इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका बीएससी होना चाहिए, बीएससी ऑनर्स है नर्सिंग से तो आप भर सकते हो, रेगुलर बीएससी नर्सिंग फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तब भर सकते हो, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फॉर्म द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तब भर सकते हो, ठीक है, ये आपका वो हो गया, ठीक है, क्वालिफिकेशन। दूसरा बोला है रजिस्टर एज ए नर्स और नर्स मिडवाइफ आरएन या आरएम विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, आपका नर्सिंग में ये रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यह भी ध्यान लीजिए, और 2 से 2.5 ईयर मतलब 2.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी 50-बेड हॉस्पिटल में काम करने का, ठीक है, तो यह चल जाएगा, तो यह आप जनरल है, हो जाता है।
ये भी डायरेक्ट 100% रिक्रूटमेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो हमारा है वो है ऑफिस सुपरिटेंडेंट का, इसमें 594 पोस्ट हैं 2023 के लिए। ग्रुप बी का है लेवल 6, 35,400, ये लेवल 6 का पेमेंट मैट्रिक्स मिलेगा इसमें। अब यहां पर देखें तो 50% प्रमोशन से और 50% आपका किससे होगा, डिपार्टमेंटल एग्जाम से, मतलब ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होगा इसका, इसकी भर्ती आपको प्रमोशन और डिपार्टमेंटल एग्जाम से भरी जाएगी, ठीक है। इसीलिए बाकी यहां पे एज ओज के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है। नेक्स्ट आपका जो है वो कैटरिंग सुपरवाइजर का पोस्ट है, कैटरिंग सुपरवाइजर में भी आपका 637 पोस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। अब लेवल 4 की मैट्रिक्स यहां पर मिलती है, पेमेंट एक ग्रुप सी की जॉब है, 25,500 से 81,100। अब यहां पर 35 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, अपर एज में रिलैक्सेशन आपको 5 साल का है एनवीएस गवर्नमेंट और ऑटोनोमस बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट को, बाकी एससी एसटी ओबीसी को जो गवर्नमेंट सेंट्रल में मिलता है वही आपको मिलेगा। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसके लिए बैचलर डिग्री अगर होटल मैनेजमेंट में किए हैं आपने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट से तब एप्लीकेबल है, या आपके पास ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इन कैटरिंग विद मिनिमम 10 ईयर सर्विस इन डिफेंस सर्विस रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। ये 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, कैटरिंग असिस्टेंट सुपरवाइजर वाला आपका क्या होगा, 100% आपका एग्जाम से सीट भरी जाएगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर 598 पोस्ट आ रही हैं, लेवल 2 का है 19,900 से 63,200 आपका चलेगा। ये 18 से लेकर 40 साल तक वाले भर सकते हैं, 5 साल का रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑटोनोमस बॉडी वालों को मिलेगा, एससी एसटी और ओबीसी वालों को एज पर द गवर्नमेंट रूल मिलेगा। इसमें क्या है आपका 10वीं पास हो, दूसरा का है आईटीआई आपके पास है इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन से तो भर सकते हो, और 2 साल का एक्सपीरियंस हो किसी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन या वायरिंग या प्लम्बरिंग में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा जा रहा है। मेस हेल्पर की सबसे ज्यादा पोस्ट है, ओवरऑल हम बात करें तो 1297 पोस्ट है, ग्रुप सी का ये भी है, लेवल 1 का है, 18,000 से 56,900 इसका है, एज आपकी 23 से 35 साल होना चाहिए, एज रिलैक्सेशन बोला ना, एज रिलैक्सेशन टू द एक्सटेंडेड पीरियड स्पेंट कैजुअल लेबर इन जेएनबी मेस इंक्लूडिंग ब्रोकन पीरियड इफ एनी टू बी गिवन प्रोवाइडेड वंस स्ट्रेच टू सच सर्विस ऑफ द मोर देन 6 मंथ इंक्लूडिंग ब्रेक्स। एज रिलैक्सेशन आपको एस सी एस टी पर एज ऑफिस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, और अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें मेस हेल्पर में तो आपको 10 पास होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट या रेसिडेंटल ऑर्गेनाइजेशन में एज ए मेस हेल्पर, ठीक है। और आपको यहां पर तीसरा क्या होगा, स्किल टेस्ट जो पास करना पड़ेगा एनवीएस का जो होगा, यह भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, इसका भी एग्जाम के थ्रू पोस्ट भरा जाएगा आपका। असिस्टेंट कमिश्नर के 38 पोस्ट आ रहे हैं, ठीक है, 38 पोस्ट आ रहे हैं, इसका 45 साल से ज्यादा एज नहीं होना चाहिए, बाकी 5 साल का वही रिलैक्सेशन है। क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री आपका चलेगा, देखिए मास्टर डिग्री चलेगा 50% मार्क्स के साथ, बीएड होना चाहिए, और तीसरा क्या है वर्किंग प्रिंसिपल इन द पे लेवल 12 लेवल तक आपको प्रिंसिपल पे अगर है और लेवल पे 12 का सैलरी उठा रहे हैं तभी आप भर सकते हो। 3 साल इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या किसी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में आपने सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के तहत जो भी ऑटोनोमस बॉडी आती है उसमें अगर आपने 3 साल तक रहा है तो, और लेवल 12 के पेमेंट में रहे हैं तो आप भर सकते हैं इसको। अगला है हमारा ये, इसमें जो आपका पोस्ट होगा वो 50% प्रमोशन से भरा जाएगा, 25% आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा और 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, तो इसके पोस्ट बहुत ही कम आएंगे। अगला है हमारा असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन का, इसमें आपका क्या है 11 ही पोस्ट है, 3 हेडक्वार्टर का है, रीजनल ऑफिस 8 पे है, एक का है लीवर 11 का पेमेंट है, इसमें मैट्रिक्स इतना है इसका, 45 साल से ज्यादा वाले नहीं भर सकते हैं, बाकी वही आपको मिलेगा। क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट रेगुलर बेसिस सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस, यही पोस्ट आपने अगर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एनालॉगस पोस्ट ऑन ए रेगुलर बेसिस आपने सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर ये सब नहीं है तो वर्किंग ऑन द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर या उसके इक्विवेलेंट एटलीस्ट 8 साल तक आपने सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी में काम किया है
तब आप कर सकते हो। और उसके बाद से तीसरा क्या होना चाहिए, पोजेसिंग एटलीस्ट 8 साल का एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। आप कम से कम 8 साल कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन मैटर आप संभाल रहे हो तो उसका एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसमें भी 50% प्रमोशन से होगा, 25 आपका एग्जाम से होगा और 25 आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। मतलब बहुत कम 2-3 पोस्ट आपका देखने को मिलेगा बस। असिस्टेंट कमिश्नर फाइनेंस के 2 पोस्ट आने वाले हैं, ठीक है, इसमें पूरा का पूरा आपका प्रमोशन से ही भरा जाएगा, यह ध्यान रखिएगा, ठीक। अब इसका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के 2 पोस्ट आने वाले हैं और ये 50% डिप्यूटेशन से या 50% प्रमोशन से, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसका भी नहीं है, मतलब डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा। सेक्शन ऑफिसर 18 पोस्ट आने वाला है, ये लेवल 7 का पेमेंट मैट्रिक्स है इसका और इसमें 50% प्रमोशन से है और 50% आपका एग्जाम से है, ठीक है, डिपार्टमेंटल एग्जाम से, LDCE से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो नीचे का पोस्ट मैक्सिमम सेक्शन ऑफिसर 11 पोस्ट है, इसमें भी आपका क्या है 50% प्रमोशन से भरे जाएंगे और 50% आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम से भरे जाएंगे। लीगल असिस्टेंट का 1 पोस्ट आएगा, तो क्या है इसके लिए आपका 23 से 35 साल का एज चाहिए लीगल असिस्टेंट 1 पोस्ट के लिए, ठीक है। मैट्रिक्स 6 का लगेगा इनमें, ये आपका सैलरी का मैट्रिक्स होगा, बेसिक पे आपका ये लगेगा, उस पर डीए हुए। डिग्री लॉ में होनी चाहिए आपका, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल केसेस में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ऑटोनोमस बॉडी में, ये आपका तब जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आइए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ठीक। अब 55 पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO की, ठीक है, ये ग्रुप बी का है, लेवल 6 का पेमेंट मैट्रिक्स है, 23 से 33 साल तक इसकी एज है, इसकी एज कम है बाकियों की, ASO की पोस्ट है, 23 से 33 साल है, ये ध्यान रखिएगा। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस मैटर में किसी भी सेंट्रल ऑटोनोमस या आपका स्टेट गवर्नमेंट के तहत, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका फाइनेंस मैटर आप एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हो तब एक्सपीरियंस, या किसी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है उस पे अगर एक्सपीरियंस है आपका तब आप इसको भर सकते हो। और इसका जो आपका है 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, 25 प्रमोशन से होगा और 50 डिपार्टमेंटल एग्जाम से होगा, तो इसके भी कोई खास पोस्ट नहीं आपको देखने को मिलेंगे। पर्सनल असिस्टेंट के 25 पोस्ट आपके हैं, ठीक है, लेवल 6 का ये जॉब है, ये भी आपके प्रमोशन से भरे जाएंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर के 8 पोस्ट, बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं आ रहा है, लेवल 4 की है, आपकी सैलरी बनेगी, सी ग्रुप के एम्प्लॉय होंगे आप, 18 से 30 साल की एज होनी चाहिए, BCA या BSc कंप्यूटर साइंस IT फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या BA BTech मांगा हुआ। अरे भाई यहां पे और कुछ मांगा ही नहीं, कंप्यूटर ऑपरेटर बनाना है तो BCA या BSc कंप्यूटर साइंस और IT से हो या BTech आप कंप्यूटर साइंस IT से हो, कोई और ब्रांच वाला भर ही नहीं सकता है BTech वाला, ये तो गड़बड़ ही है सब, ठीक है। इसका पूरा पूरा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा 8 पोस्ट के लिए। स्टेनोग्राफर के 49 पोस्ट आएंगे 18 से 27 साल वाले इसमें एलिजिबल होंगे, पे मैट्रिक्स 4 की होगी इसमें। इसका एलिजिबिलिटी क्या है आपके पास, एलिजिबिलिटी इसकी यही है कि आप 12 पास हो, स्किल टेस्ट में 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट की आपकी स्टेनो की राइटिंग होनी चाहिए और 50 मिनट अगर आपको फिर उसके जो भी स्टेनो होगा चाहे इंग्लिश आप हिंदी दोगे तो 50 मिनट आपको हिंदी इंग्लिश के लिए मिलेगा और 65 मिनट हिंदी के लिए मिलेगा कंप्यूटर पे छापने के लिए टाइप करने के लिए। इसका पूरा का पूरा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, यह ध्यान रखिएगा। आगे का पोस्ट आगे कोई नहीं है, ठीक है। तो ये आपके इतने पोस्ट आ रहे हैं, बहुत ज्यादा क्योंकि ऑलरेडी NVS ने रिक्रूटमेंट ले रखा था तो कुछ ही पोस्ट हैं, बाकी सभी के लिए नहीं है, जो मतलब जो TGT PGT सभी सब्जेक्ट के लिए नहीं है अभी तक, तो इसमें नहीं दिया गया है, बाकी आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ पोस्टें खाली हो जाए तो आपकी जब वैकेंसी आएगी तो उस समय आपको देखने को मिलेगा। तो अभी ये कुछ चेंजेस जो रिक्रूटमेंट रूल में हुआ है उससे रिलेटेड इन्होंने बताया है और उसमें बता भी दिया कि किसके किसके कितने पद जो हैं आ रहे हैं। बाकी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस भर्ती से रिलेटेड तो आप वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।